शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ले, हल्दी वाला दूध है, तेरे पैर में चोट लगी थी ना, इससे आराम मिलेगा। अंजलि, घर चले बेटा, चल बेटा। शुक्र है बिहारी जी का कि रिचा कहीं यहां से। रिचा, अलका भाभी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा बेटा, तुम घर जाके आराम कर। हाँ ठीक है। अरे काम नहीं, तूने तो कहा था बेहोशी की दवा पिलाने के 2 घंटे तक उसे होश नहीं आएगा। बताओ, बेहोशी की दवा में भी लोग मिलावट करने लगे। जल्दी संजीव को इसके कमरे में लेके जा। मैं, यश आ गया ना तो 10 सवाल पूछेगा। अंजलि, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, आज व्रत था इसका, व्रत में इतना सारा काम करने लगी, इसीलिए शायद चक्कर सा आ गया। अच्छा हुआ मैं यहीं पे खड़ी थी, जमीन पर गिर जाती तो कितनी चोट लग जाती ना। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पूरी नींद सो लेगी तो सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे सुला के आता। से बात करनी है। अंजलि, कल सुबह कर लेना, अभी आराम करो। ठीक है। Oh,
अगर तूने कुछ ऐसा वैसा कदम उठाया तो तू और यश कभी मिल नहीं पाओगे, और तो और अंजलि का किया हुआ त्याग भी व्यर्थ हो जाएगा। उसकी जिंदगी के जो भी बचे खुचे दिन है उसमें उसकी सारी मुरादें पूरी कर दे। ला मुझे दे, मैं कर देती हूं। ये क्या कर रही है रिचा तू, हमें नहीं है। तू बाहर बैठ। अरे चले तेरा, आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। तू चुपचाप यहाँ पर बैठ जा। तू चाय पिएगी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रहने देना माँ, हम कर लेंगे ये सब। तुझे चाय पीने का मन है तो बोल दे, हम बना लाते हैं तेरे लिए। मुझे बहुत पसंद है ना हमारे हाथ की चाय। रुक अंजलि, मैं तेरी आज कोई बात नहीं सुनूंगी, चल यहाँ पर बैठ। तुम दोनों को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठकर यहाँ पर बातें करो। सारा काम कामनी कर लेगी, है ना कामनी? अरे मुंह क्यों नहीं खोल रही है, कर लेगी ना? हाँ हाँ कर लूंगी। हुआ क्या है तुझे ऋचा, सच बता, ठीक तो है ना? सॉरी अंजलि, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैंने तुझे बेवजह थप्पड़ मार दिया। जब भी वो थप्पड़ याद आता है ना मुझे, बेचैन हो जाती हूँ मैं। क्या तू मुझे माफ कर सकेगी? जो हुआ उसे भूल जा रिचा, तू तो जानती है ना कि हम तुझे रोते हुए नहीं देख सकते। हम जो कर रहे हैं तेरी खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, तेरे लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते। बस अंजलि, अब कभी अपनी जान मान देने की बात मत करना। अरे ऋचा, तुम आई और तुमने मुझे बताया भी नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। बस 2 मिनट यश, तुम चलो मैं आती हूं। तू जब भी इस घर में आती है सबसे पहले यश जी से मिलती है और तूने उनसे। तू चल हमारे साथ, आ ना तू चुपचाप। अंजलि आ ना तू चुपचाप, बैठ और यश जी के साथ बातें कर। रुक अंजलि, बच्चा तुम्हें याद है ना आज हम दोनों को डिनर पे साथ भाग जाना। यश, अगर अंजलि भी हमारे साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा ना? तो फिक्स हो गया, आज हम तीनों डिनर के लिए जा रहे हैं। ओके? अरे हम क्या करेंगे साथ आकर?
हमें नहीं बनना दाल भात में मूसल चंद। अंजलि बेकार की बातें मत कर, मैंने कह दिया तुझे चलना है तो चलना है। सचा तू समझ क्यों नहीं रही है? तू ये समझ जा अंजलि, तू अगर नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे रिचा ठीक कह रही है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। हाँ बोल, हाँ बोल, बोल बोल अंजलि। अच्छा बाबा ठीक है, हाँ जा रही है रिचा। रिचा ये क्या बर्ताव कर रही हो अपनी माँ के साथ? बेटा हुआ क्या है ये तो बता। पापा मैं यश के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ, और क्या हुआ है ये तो आप मम्मी से ही पूछ लीजिए। कल से देख रहा हूँ ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। ये आप पूछ रहे हैं कि चल क्या रहा है? बस ये समझ लीजिए, जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी घट रहा है, वो आपकी मुंह बोली बेटी अंजलि की वजह से हो रहा है। वो एहसान फरामोश लड़की पता नहीं क्या खाके जन्मी है, जब से इस घर में आई है सत्यानाश ही किया है उसने। मजाल है कि उसके होते हुए कुछ अच्छा हुआ हो। मेरा पति, मेरी बेटी सब अंजलि के नाम का भजन करते रहते हैं, जल्दी मरे तो जान छूटे उससे। बस बहू जी, ऐसा क्या सत्यानाश कर दिया अंजलि ने जो आप उसके मरने की दुआ मांगने लगी? आप जानती है ना वो उस घर में गई है तो सिर्फ आपकी बेटी की खुशी के लिए। बचपन से लेकर आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जहां आपने उसे याद नहीं दिलाया कि वो एक अनाथ है, और आपने उसे इस घर में रख के उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने उसे थप्पड़ मारा, उसकी आंखों में मिर्ची डाली, एक ही लौ में उसकी हथेली चलाई, डरने से पीटा, यहां तक कि उसका मुंह अक्की में डालकर उसका दम घोटने की कोशिश भी की। लेकिन अब हमसे उस मासूम अंजलि की तकलीफ देखी नहीं जाती। जो आपने ये सब अभी कहा ये सच है क्या? हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं लाला जी, लेकिन आज हमसे रहा नहीं गया। अंजलि के साथ इस घर में क्या क्या होता आया है आपको कुछ नहीं पता। इनसे क्या अंजलि की जान लेकर ही चैन पड़ेगा इन्हें? किशोरी, सारे कलेश की जड़ वो अंजलि है, आज उसकी वजह से आपने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया।
आज अचानक क्या हो गया है? रिचा इतनी बदली बदली लग रही है, आज जबरदस्ती हमें अपने और यश जी के साथ डिनर पे भी लेके जा रही है। गोपाल, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए एक रील बनाते हैं। पता है जब से पालो दीदी गई है ना, मैंने एक भी रील नहीं बनाई। लेकिन गुलकंद, हमें रील वील बनाना नहीं आता। अरे कुछ भी नहीं है इसमें, मुझे पल्लू दीदी ने सिखाया था। पता हम दोनों साथ में कितनी रील्स बनाते थे, आपको दिखाऊं? ये देखो गुलकंद, गुलकंद, गुलकंद आया। मम्मी, मैं मम्मी की बात सुनकर आता हूँ, तब तक आप आगे आगे कर कर देखते जाइए, फिर आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है? रेडी हो गई? चले? नहीं, वो यश जी, हम नहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्यों नहीं जा पाओगी? देखो अंजलि, रिचा मेरी क्लास ले लेगी कि तुम अंजलि को क्यों नहीं लाए, सो प्लीज चलो। वो हम तैयार तो हो ही गए थे, लेकिन अचानक हमारे हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अंजलि, तुमने डॉक्टर को फोन किया? मैं फोन नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो अजवाइन, काला नमक और हींग मिलाकर गर्म पानी से खालेंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जाइए ना, रिचा आप इंतजार करोगे, उसे हमारी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा। जाइए अंजलि, आप जाइए ना। यश जी, अंजलि एक मिनट, ये अजवाइन, काला नमक, ये गर्म, देखो इस सबसे ना पेट दर्द ठीक नहीं होता है, डॉक्टर से दवाई लो, ठीक हो जाएगा। आजमाया हुआ नुस्खा है यश जी, ठीक हो जाएगा, हम कह रहे हैं ना। अब आप प्लीज चले जाइए, रिचा आपका इंतजार करिए, आप जाइए। अच्छा ओके, लेकिन अगर ठीक ना हो तो तुम मुझे पक्का फोन करो, ओके? जी। रिचा, रिचा चलो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यश, तुम अंजलि को लेकर क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना, मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी। रिचा, अंजलि चलने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन फिर उसे अचानक पेट में दर्द हो गया तो उसने आने से मना कर दिया। पेट में दर्द? अंजलि को पेट में दर्द था और तुम उसे ऐसे ही छोड़कर आ गई यश? चलो चलो, हमें जल्दी से उसके पास चलना चाहिए। रिचा, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, थोड़ा ही पेट में दर्द था, मैंने डॉक्टर से बात करने को कहा तो अंजलि ने मना कर दिया, कहा कि ज्यादा दर्द है नहीं, घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाओ। नहीं यश, मुझे अभी अंजलि के पास जाना है, प्लीज जल्दी चलो यश, मुझे अंजलि के पास जाना है। ओके ओके। मामा जी, आपने तो कहा था कि पल्लव को लेने के लिए उसके घर वाले आए थे।
ये देखिए। ये लोग तो उसके परिवार वाले नहीं लग रहे हैं। तो फिर आपने बिना जाने समझे पल्लू को इनके साथ क्यों जाने दिया मामा जी? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पल्लू ने खुद आके झपकाकर हमें बताया था कि किसी ने उसे चोट पहुंचाई थी। तो फिर यारी जो झूठ ना बोले, तू बड़ा कोर्ट कचहरी बिठा रही है। लगता है आजकल कुछ ज्यादा दिमाग चल रहा है तेरा। तू होती कौन है हमसे सवाल करने वाली? हाँ ठीक कहा आपने मामी जी, हमें हक नहीं है आपसे सवाल करने का, लेकिन छोटी दादी, मुकेश काका और यश जी, इन्हें तो हक है ना आपसे सवाल करने का। अब आप दोनों उन्हें ही जवाब दीजिएगा। बस इतना जानना चाहते हैं कि पल्लू ठीक है कि नहीं। क्या था उस वीडियो में? कुछ लोग पल्लू को बड़े अजीब तरीके से चुपचाप लेकर जा रहे थे और मामा जी खुद पल्लू को उन्हें सौंप रहे थे। मुझे पूरा यकीन पल्लू के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अच्छा कुछ भी हो जाए मैं सच जान के रहूंगा। एक अनोखे बंधन से बंधे अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।